चौधरी हुसैन लाई साहब और खिताब कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शेठ सफदर साहब का, यूनियन काउंसिल कसोगी के तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, साथियों का शुक्रगुजार हूं जो आज आप लोगों ने इफ्तारी के मौके पे मुझे यहां पे बुलाया है। और जैसे आप सारों को पता है, जो पिछले दो महीने में हालात चले, बड़े लोग थे जो घूमतों के साथ मिल गए, और आपका भतीजा था जिसने फैसला किया कि हक और सच का साथ देने, ये बिरूनी ताकतों का साथ नहीं देना, और इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। उसका नतीजा ये निकला है, ना मुझे सीटों से कोई गर्ज है, ना मुझे ओहदों से कोई गर्ज है। अगर 3.5 साल की हुकूमत में मुझे कोई थोड़ा अफसोस हुए तो वो इस बात का हुए कि काम हमने कोशिश किए कि हद से ज्यादा अपनी बढ़ के करा सके, लेकिन कुछ ऐसे काम थे जो हमारे अभी भी पेंडिंग रह गए, जिसमें जरूरी है ये बताना कि आप लोगों से भी मैंने वादा किया हुआ था आप लोगों के स्कूल का, एक वो वादा मेरा आप लोगों से अधूरा रहा, लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है कि जो हमारे मुखालिफ है इनसे ऑपोजिशन तो हुई नहीं, जब तक आपका भतीजा इस सीट में MLA बैठा है इंशाल्लाह इनको हुकूमत भी नहीं यहाँ पे करने देगा। अल्लाह के फजलो करम से इस यूनियन काउंसिल में हमेशा से आप लोगों की जमात में काम कराए, और ये जो नया निजाम बन रहा है ये सिर्फ 3-4 महीने का निजाम है। 3-4 महीने में इंशाल्लाह ताला इलेक्शनों में जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से, पिछली दफा आप लोगों ने अपने भतीजे को 40,000 वोटों से जिताया था, इस दफा इंशाल्लाह 80,000 वोटों से जिताएंगे। साबित कर रहे हैं कि हमारा हल्का NA 68, हम ना झुकने वालों में से हैं, ना हम बिकने वालों में से हैं। इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत हमारी ना बोली लगा सकती है, ना हमें बदल सकती है। हम जिधर खड़े हैं इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की मोहब्बत से NA 68 साबित करेगा कि ये